हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में। इस आज की स्टूडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं पोको X6 नियो 5G का, जिसको हमने फ्लिपकार्ट से बाई किया एंड काफ़ी कमाल प्राइस पे बाई किया है। आगे आपको डिटेल में बताएंगे, बाय द वे गाइस यहाँ पे सारी जानकारी आपको देंगे, फ्री फायर मैक्स प्ले करके बताएंगे कैसा परफॉर्मेंस देता है। सो देखते रहिए वीडियो को एंड तक, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलरेडी गाइस, तो यहाँ पे सिंपली करते हैं डब्बे को ओपन एंड सबसे पहले हमें एक पाउच ही देखने को मिल जाता है। बाकी इस पीछे की हाईलाइटिंग देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज कर्व डिस्प्ले, 108 मेगापिक्सल वाला AI कैमरा, परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6080 प्रोसेसर, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट, IP54 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। एंड गाइस ये हमारे पास 8GB 128GB वाला वेरियंट है। सिंपली करते हैं गाइस ओपन एंड ऑलरेडी ओपन हो ही चुका है। ये रहा गाइस हमारा डिवाइस एंड जिसका कलर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हमने चूज़ किया बाय द वे। ओके गाइस, यहाँ पे नीचे की तरफ देखें तो हमें मिल जाता है एक चार्जर, जो कि गाइस Xiaomi का फेवरेट 33 वाट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे टाइप ए टू टाइप सी आपको डाटा केबल देखने को मिल जाती है। अब गाइस यहाँ पे पाउच में हमें मिल जाता है सिम इजेक्टर पिन, साथ ही गाइस हमें कुछ डॉक्यूमेंट पेपर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे हमें एक अच्छी क्वालिटी वाला कवर देखने को मिल जाता है, जो कि भाई येल्लो नहीं होगा, बट भाई यहाँ पे कैमरा कटआउट देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा दे दिए, जिसकी वजह से उतना अच्छा आई थिंक कि प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब निकालते हैं सिंपली इस रैपर से अपने डिवाइस को एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सही देखने में लग रहा है। बाकी ये स्टिकर को जल्दी से रिमूव करते हैं एंड गाइस यहाँ पे ये पूरा का पूरा बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है, बट मैट फिनिश के साथ में आता है, तो कोई भी फिंगर के निशान बहुत ज़्यादा मतलब देखने को नहीं मिलता है। बट कैमरा के पास आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आप देखेंगे माइक, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट एंड इसमें सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है। एटलीस्ट डुअल स्पीकर देना चाहिए था इस प्राइस पर। और गाइस राइट साइड में देखेंगे फिंगरप्रिंट स्कैनर और पावर अनलॉक बटन एक ही में, उसके ठीक ऊपर वॉल्यूम की बटन्स है। टॉप पे गाइस देखेंगे सेकेंडरी माइक दे दिए, ये अच्छा काम किया। बाकी ये एक IR ब्लास्टर है एंड इसके अलावा गाइस आपको हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में सिम टूल किट, जहाँ पे दो सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। डुअल स्पीकर वैसे होना चाहिए था। बाकी गाइस यहाँ पे कैमरा बम्प देख सकते हैं आपको थोड़ा सा देखने को मिल जाता है। साथ ही डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं चीन बेजल्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर देखने को मिलते हैं चारों ही तरफ से, तो काफ़ी ज़्यादा सही देखने में लगता है इसका डिस्प्ले। साथ ही इस आउटडोर में विजिबिलिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, तो आप आउटडोर में भी मस्त इसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। भाई गाइस यहाँ पे YouTube में YMX कितना क्वालिटी सपोर्ट करता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं YMX 2K 60 FPS सपोर्ट करता है, 4K सपोर्ट नहीं करता है एंड HDR भी सपोर्ट नहीं करता है। बाकी YouTube में 2K वीडियो प्ले कर सकते हैं स्मूथली, बट जैसे ही आप डाउनलोड करके 2K वीडियो प्ले कीजिएगा वहाँ पे स्ट्रगल करता है। बट अगर आप MX प्लेयर यूज़ कीजिएगा एंड वहाँ पे 2K वीडियो प्ले कीजिएगा तो वहाँ पे स्ट्रगल नहीं करता है। गैलरी ऐप में ये बेसिकली स्ट्रगल कर रहा है। अभी साउंड क्वालिटी आपने सुन लिया, सिंगल स्पीकर के हिसाब से ठीक देखने को मिलता है, बट डुअल स्पीकर एक्सपेक्ट कर सकते हैं Xiaomi से। बाकी की यहाँ पे साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, जिसकी स्पीड अच्छी देखने को मिल जाती है एंड कवर के साथ देख सकते हैं अच्छा प्रोटेक्ट करता है। बट वहीं पर जो ऑलरेडी आपको बताया कि कैमरा को उतना अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर भी दे देना चाहिए था ताकि सेफ रहे कैमरा बेसिकली। बाकी की यहाँ पर आपको बहुत ही सारे फालतू के ऐप्स देखने को मिल जाएंगे, तो ये मुझे अच्छी नहीं लगी। वैसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी की यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि UI में मुझे उतना ज़्यादा जिटर नोटिस नहीं हुआ, काफ़ी स्मूथली परफॉर्म कर लेता है। एंड साथ ही गाइस ऐप एनिमेशन की बात कर ली जाए तो वो आपको नहीं देखने को मिलता है इस डिवाइस में, तो प्रोसेसर कैपेबल है मतलब हैंडल कर सकता था, बट यहाँ पे आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। बाकी हैप्टिक फीडबैक की बात की जाए तो इसमें मुझे बहुत ही बेकार लगा, यहाँ पे टाइप करते टाइम हैप्टिक आता ही नहीं, वैसे अच्छा वाला तो दिए भी नहीं है तो कोई फ़ायदा भी नहीं, बट ऐसे रिसेंट एप्स में जाने पर वहाँ पर वाइब्रेट करता है तो ठीक देखने को मिलता है, उससे मतलब ज़्यादा आप एक्सपेक्ट ना कीजिए। दोस्त कैमरा की बात की जाए तो पीछे की तरफ आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, जो कि सिर्फ वही एक काम का है, उसके बाद 2 मेगापिक्सल है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, अच्छा हुआ भाई 8 मेगापिक्सल नहीं दिए ये लोग। बाकी इस यहाँ पे आप देखेंगे कैमरा में आपको वीडियो देखने को मिल जाता है, जहाँ पे गई आप मैक्स रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p 30fps, 108 मेगापिक्सल वाला भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फोटो क्लिक करने के लिए। बाकी इस यहाँ पे और भी देखने को मिल जाता है, फोटो हो गया, पोर्ट्रेट हो गया, फोटो में
आप 3x तक जूम करके ले सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पोर्ट्रेट में 2x दिए होते वो बेटर होता, बट नहीं दिए हैं। बाकी नाइट मोड देखने को मिल जाता है। मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सभी चीज़ें प्रो मोड, शॉर्ट वीडियो, पनोरामा एंड स्लो मोशन वगैरह, टाइम लैप्स वगैरह देखने को मिल जाता है। चलिए गाइस, अब यहाँ पे मैं आपको कैमरा सैंपल्स दिखाता हूँ एंड आप खुद भी जज कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं 108 मेगापिक्सल से लिया हुआ पिक्चर। एंड यहाँ पे इतना मैं कहूँगा कि लाइट को काफ़ी अच्छा से मैनेज कर लेता है। 1x 2x 3x तक आप पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है एंड ब्लर काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है विदाउट पोर्ट्रेट मोड। ओके, तो अच्छा लगा। बाकी गाइस, यहाँ पे फेस की बात की जाए, जैसे ह्यूमन सब्जेक्ट का पिक्चर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ये कलर को आप देख सकते हैं अजीब सा कर देता है, रेड टिंट जैसा ऐड कर देता है। बाकी 2x पे क्लिक करने पे बैक से अच्छा वर्क करता है एंड फ्रंट की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, कलर वगैरह अच्छे लगे, बट यही है कि जब जूम करेंगे वहाँ पे डिटेल अच्छी नहीं देखने को मिलती है एंड पोर्ट्रेट में वैसे अच्छा मुझे नहीं लगा फ्रंट। ऑलरेडी गाइस, तो यहाँ पे आप एंटूटू स्कोर भी देख सकते हैं, 437,000 का प्रॉक्स देखने को मिल जाता है, जो कि ठीक है इस प्राइस रेंज पे एंड इस प्रोसेसर से आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे गाइस, यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात करें उससे पहले देख सकते हैं फ्री फायर में एंटर हो चुके हैं। सो यहाँ पे गाइस सारे सेटिंग्स हम फुल्ली मैक्स कर दिए, 60 FPS को इनेबल कर दिए। अब गाइस यहाँ पे बात करते हैं ये कैसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। सो डायमेंसिटी का 6080 प्रोसेसर को मैंने काफ़ी सारे फ़ोन में वैसे टेस्ट किए बहुत सारे एंड ये प्रोसेसर काफ़ी ओल्ड हो चुका है अभी। सो यहाँ पे मैं कहूंगा कि परफॉर्मेंस आपको ठीक देखने को मिलेगी, मतलब अच्छा नहीं मैं कहूंगा, बिकॉज मैंने भाई इससे कम प्राइस वाले फ़ोन में अभी रिसेंटली टेस्ट किया इन्फिनिक्स हॉट 55G, भाई उसके सामने ये कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं देता है। उसमें जो आपको स्मूथनेस मिलती है, जो FPS बिना ड्रॉप किए गेमिंग वो करवाता है ना भाई, नेक्स्ट लेवल। तो इसमें आपको FPS ड्रॉप नोटिस हो सकती है यहाँ पे, मतलब आपको गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत बेटर नहीं देखने को मिलेगा, बट इसमें आप गेमिंग कर सकते हैं ये है। सो मतलब ठीक ठाक है। वैसे मैं जनरली कहूँ तो ये गेमिंग के लिए ना बाई कीजिए तो ज़्यादा बेटर, बिकॉज यहाँ पे डिस्प्ले वगैरह सभी अच्छी है एंड मतलब फास्ट चार्जिंग वगैरह अच्छा है, बट वही है कि इन्फिनिक्स हॉट 55G जो है उसमें आपको स्लो चार्जिंग देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले HD+ है तो उसमें भी कमियाँ हैं, बट इस परफॉर्मेंस के मामले में वो फ़ोन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है एंड यहाँ पे इस परफॉर्मेंस के मामले में मुझे ये फ़ोन में मतलब उतना अच्छा एक्सपीरियंस फील नहीं हुआ, तो इतना मैंने कह दिया। 60 FPS पर प्ले कीजिएगा तो आपको FPS ड्रॉप करते हुए नोटिस हो जाएगा। बाय द वे गाइस, यहाँ पे देखिए गेम को एंड तक, फिर आपको बताते हैं आखिर में ये फ़ोन आपको बाई करनी चाहिए या नहीं एंड किस प्राइस पे हमने बाई किया। ऑलरेडी गाइस, तो यहाँ पे आपने गेम प्ले देख लिया, फ़ोन में ठीक ठाक गेमिंग हो जाती है, बाकी अदर चीज़ें मुझे अच्छी लगी इस में। एंड गाइस, ये फ़ोन को हमने 12,300 के अप्रॉक्स में बाई किया है, तो मतलब प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगा सही है। 8GB रैम भी देखने को मिल जाती है एंड अदर चीज़ें, डिस्प्ले सबसे मुझे अच्छी लगी इसकी, बिकॉज चारों ही तरफ से बेजल चिन्ह काफ़ी पतले देखने को मिलते हैं ना, तो सही लगता है देखने में एंड वीडियो क्वालिटी के लिए भी सही है ओवरऑल। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही, जोर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दोस्त, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।